नमस्कार स्टूडेंट कल के लेक्चर में हमने फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था फाइबर ऑप्टिक्स क्या होती है और कहां पर हम बेसिकली इसका यूज करते हैं और किस प्रिंसिपल पर ये काम करते हैं उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएंगे जो हमने कल कंस्ट्रक्शन का डिस्कस किया था कि फाइबर ऑप्टिक्स को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी फॉर्मेशन होती हैं और उन फॉर्मेशन में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था उसके कोर क्लैडिंग कोटिंग स्ट्रेंथ एंड आउटर जैकेट का आज जो मेन हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस जो हम करेंगे वो डिस्कस करेंगे इस कोर का क्योंकि ये जो कोर होती है यही इस फाइबर ऑप्टिक्स का जो है मेन पार्ट होती है मेन पार्ट का मतलब जो मीडियम होता है जिस मीडियम के इनसाइड से सिग्नल ट्रांसफर होता है वो जो पार्ट होता है वो होता है इसका कोर और इसी कोर पे एवरी प्रोपेगेशन एवरी प्रोपेगेशन का मतलब जो भी सिग्नल यहाँ पर प्रोपेगेट होता है उसगन जो डिपेंड करते हैं कम्युनिकेशन हमारा तो वो सिग्नल कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकता है उसका आज हम डिटेल्ड स्टडी में डिस्कस करेंगे और इसमें जो हमारे पास है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जो क्लासिफिकेशन है हम नंबर ऑफ मोड के हिसाब से करते हैं नंबर ऑफ मोड के हिसाब से मतलब एक आपके पास सिंगल मोड सिंगल मोड का मतलब एक ऐसी फाइबर जिसके इनसाइड से एक ही सिग्नल सिंगल टाइम में ट्रांसफ़र हो वो फाइबर जो होती है दैट फाइबर इज सिंगल मोड फाइबर मल्टी मोड मतलब एक टाइम में बहुत सारे सिग्नल अगर फाइबर के इनसाइड से ट्रांसफ़र हो जाएं तो दैट फाइबर इज नोन एज मल्टी मोड फाइबर नाउ ये तो है मोड के हिसाब से मोड का मतलब आप दूसरे मतलब शब्दों में यूं भी कह सकते हैं सिंगल मोड में जस्ट सिंगल टाइम टी आई आर होगा और मल्टी मल्टीपल मोड में जो अपना सिग्नल है उसका मल्टी टाइम्स जो है क्या होगा उसका टी आई आर और टी आई आर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी उसकी नाउ अगर हम इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बात करें क्योंकि कल जो मैंने एक कंसेप्ट में बताया था कि आपके पास जो कोर और क्लैडिंग का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है और हम जब क्रिटिकल एंगल पे कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कोर के इनसाइड में एंटर करवाते हैं तो उस कंडीशन में उस सिग्नल का या उस वेव का सिंगल टाइम टी होगा तो जो सिंगल टाइम टी आई आर होता था वो बेसिकली डिपेंड करता था किस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लाइडिंग पे तो उसी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के हिसाब से भी हमारे पास जो फाइबर ऑप्टिक्स है फाइबर ऑप्टिक्स को हम टू टाइप्स में लेके चलते हैं एक लेके चलते स्टेप इंडेक्स फाइबर लेके चलते हैं दूसरा होता है आपके पास ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर स्टेप का तो मतलब सीधा सा मतलब ही स्टेप के बाद आपके पास क्या होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज होगा और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो इसका मतलब सिग्नल वहां से चेंज हो जाएगा और जो ग्रेडिड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर है इस केस में कॉन्टिन्यूसली आपके पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है बट दोनों की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका अभी हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोड नंबर ऑफ मोड में आपके पास सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में जैसा आप इमेज में विजिबल कर रहे हैं कि हमारे पास जो इमेज होती है वो ये जो इमेज है इस इमेज में जो ये रेड पार्ट है ये रेड पार्ट आपके पास वेव है या यूं कह लीजिए कि आपके पास जो सिग्नल है वो रेड पार्ट जो है सिग्नल है और जो इसके ऊपर थोड़ा सा रेडिस वाइट आपका पार्ट आपको विजिबल होता है दैट पार्ट इज कोर और ये अपर पार्ट जो है यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपके पास कंप्लीट ये आपके पास है क्लैडिंग तो इसका मतलब क्या है कि कोर और क्लाइडिंग दोनों के इनसाइड से एक ही आपके पास सिंग सिग्नल है तो आपके पास क्या होगा सिंगल मोड फाइबर होगी सिंगल मोड फाइबर ओनली वन मोड कैन प्रोपेगेट थ्रो द फाइबर दूसरा द कोर डायमीटर वेरी स्मॉल इस केस में आपके पास कोर डायमीटर जो है बहुत कम होता है और क्लेडिंग का डायमीटर जो है ज़्यादा होता है जनरली कोर डायमीटर फाइव माइक्रोमीटर के अराउंड होता है और क्लैडिंग का जो डायमीटर है दैट इज़ सेवेंटी माइक्रोमीटर के अराउंड होता है जो डिफरेंस डिफरेंस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो वेरी कम होता है देर इज नाइदर डिस्पर्सन नो डिग्रेडेशन देर फॉर इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बेसिकली जो सिंगल मोड फाइबर है सिंगल मोड फाइबर में सिंपल से अर्थों में अगर हम हम कहें तो जो सिग्नल डिस्टरबेंस है वो बहुत कम होती है और सिग्नल डिस्टरबेंस अगर कम होगी तो आपके पास क्या होगा कि इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हम सिग्नल को ट्रांसफर कर सकते हैं द लाइट इज पास थ्रो सिंगल मोड फाइबर थ्रो लेजर डायोड और यहाँ पर जो हम इसके इनसाइड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को हम ट्रांसफ़र करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ लेज़र हम ट्रांसफ़र करते हैं इसकी जस्ट एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे एक ही सिग्नल ट्रांसफ़र होगा और एक ही फाइबर के इनसाइड से ट्रांसफ़र होगा तो, तो जो सिग्नल ट्रांसफ़र करने की जो कॉस्ट है वो वेरी हाई है एज़ कंपेयर टू मल्टी मोड फाइबर ना जो आपके पास मल्टी मोड फाइबर होगी सबसे पहले तो मल्टी मोड फाइबर में लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसफ़र कर सकते हैं या लाइट रे को ट्रांसफर करते कर सकते हैं इस फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे इमेज भी मैंने शो किया है कि एक ग्रीन सिग्नल आपके पास एक वॉयलेट सिग्नल है और एक आपके पास ब्लू कलर का सिग्नल है तो हम इस फॉर्मेशन से सिग्नल को ट्रांसफर कर सकते हैं द कोर डायामीटर जो होगा अब बहुत सारे सिग्नल हमने ट्रांसफर करने तो सीधा सा मतलब है कि आपके पास कोर का जो डायमीटर होगा ज़्यादा होगा और ज़्यादा होगा जो आपके पास सिंगल मोड फाइबर का कोर डायमीटर था क्योंकि सिंगल मोड अगर आप फाइबर लेंगे तो वहां पे आपने एक ही सिग्नल ट्रांसफर करना तो कोर का जो डायमीटर होगा वो आप बहुत कम लेके चल सकते हैं और इस केस में जब आपके पास मल्टी मोड फाइबर है तो इस केस में आपके पास कोर का डायमीटर सिंगल मोड के कंपैरिजन में लार्ज होता है क्लैडिंग का जो डायमीटर होता है वो दोनों के केस में लगभग सेम रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस इज आल्सो लार्जर देन सिंगल मोड फाइबर जो यहाँ पे कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये इसमें जो डिफरेंस होगा वो भी ज़्यादा होता है सिग्नल डिग्रेडेशन ड्यू टू तो मल्टीपल डिस्पर्सन सिग्नल में नवाज होगी आपके पास यहाँ पर इट इज़ नॉट स्टेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ड्यू टू तो लार्ज नंबर ऑफ डिस्पर्सन एंड अटेनविशन ऑफ द सिग्नल अब लार्ज नंबर पे पे हमने सॉरी लार्ज डिस्टेंस भी अगर हमने लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसफ़र करने हैं तो इसका मतलब वहाँ पे नॉइज प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी एज कम्पेयर टू सिंगल मोड फाइबर क्या होगी ज़्यादा होगी और दूसरा जो इसमें मेन आप डिसएडवांटेज है इसके अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो इसका यहाँ पर जो सिग्नल ट्रांसमिशन टाइम होता है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से ट्रांसफर होते हैं और रिसीविंग टाइम तो जो सिग्नल रिसीव होता है उसमें आपके पास टाइम गैप रहता है ये जो मेन इसकी डिसएडवांटेजेज होती है क्योंकि एक बार एक सिग्नल आएगा फिर वो सिग्नल रुक जाएगा फिर दूसरा सिग्नल आएगा फिर तीसरा सिग्नल आए मतलब सीधे सी अर्थों में कहें कि यहाँ पे जो सिग्नल रिसीव होते हैं वो पल्स की फॉर्मेशन में जनरली यहाँ पे सिग्नल रिसीव होते हैं मतलब कहने का मतलब ये कि ट्रांसमीटर से जो सिग्नल सबसे पहले ट्रांसफ़र किया जरूरी नहीं कि वो रिसीवर के पास सिग्नल सबसे पहले ही पहुंचे। उसमें कुछ टाइम का गैप आ सकता दूसरे किसी सिग्नल के कंपैरिजन में क्योंकि यहाँ पे जो टी आई आर है ये नहीं हमें पता चलता है कि किस सिग्नल का कितना टी आई आर यहाँ पर बनेगा नाउ अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे करें तो हमारे पास एक स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर होती है एक आपके पास ग्रेडिड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर होती है यहाँ पे आपके जो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होगा मतलब एक स्टेप के बाद अगर चेंज होता है तो आपके पास इसका मतलब क्या है कि वो स्टेप इंडेक्स फाइबर है और कॉन्टीन्यूसली अगर वो चेंज करता है तो इसका मतलब वो आपके पास ग्रेडिड इंडेक्स फाइबर है तो जनरली यहाँ पर अगर हम इनके कोर डायमीटर की बात करते हैं जो स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडिड इंडेक्स फाइबर है उनका जो कोर डायमीटर अगर स्टेप इंडेक्स का लेते हैं जनरली वो आपके पास 200 माइक्रोमीटर के राउंड होता है और ग्रेडिड इंडेक्स का जो है फाइव टू वो सॉरी फिफ्टी टू हंड्रेड माइक्रोमीटर के राउंड होता है और इन केस अगर हम क्लैडिंग के डायमीटर की बात करते तो जो स्टेप इंडेक्स में है वो थ्री एट्टी माइक्रोमीटर के अराउंड होता है और क्लाइडिंग का जो डायमीटर ग्रेडेड इंडेक्स के केस में अगर हम डिस्कस करें तो वो जनरली आपके पास वन ट्वेंटी फाइव माइक्रोमीटर के अराउंड होता है जो सिग्नल की अगर हम इनपुट वर्सेस आउटपुट को के ग्राफ को विजिबल करें तो आपके पास सिग्नल का जो इनपुट पल्स थी स्टेप इंडेक्स फाइबर में इस फॉर्मेशन की थी और आउटपुट जो पल्स थी वो आपके पास इस फॉर्मेशन की है मतलब आउटपुट में बहुत ज़्यादा आपके पास नॉइज़ है या यूँ कह लीजिए कि आउटपुट जो है इनपुट के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा बेस्ट आपके पास नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो ये स्टेप है यहाँ पर आपके पास सिग्नल जो है कॉन्टीन्यूसली टाइम से नहीं पहुँचता है और इसका जो टाइम गैप प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे पास एक मेन जो अलग से यूज की गई है दैट इज आपके पास ये है ग्रेडिड इंडेक्स इसमें क्या होता है ग्रेडिड इंडेक्स में कॉन्टीन्यूसली इस फॉर्मेशन से स्ट्रक्चर बनाई होती है जिससे कि कोर का जो डाया है कॉन्टीन्यूसली आपके पास चेंज होता है मतलब जितने सारे मैंने डॉट दिखाए हैं एवरी डॉट के ऊपर या एवरी लाइन के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली चेंज हो जाएगा जैसे ही स्लाइटली चेंज होता है वहीं से उसका टी आई आर बन जाएगा और टी आई आर बन जाएगा तो इस फॉर्मेशन से जो जो टाइम गैप एंड पे जाके जो टाइम गैप कम होता था वो टाइम गैप यहीं से कम होता चलेगा तो जैसे ही यहां पर एग्जिट पॉइंट या रिसीवर होगा रिसीवर के पास जो सिग्नल है उनमें जो टाइम गैप होगा वो वेरी 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 क्या हो जाएगा लो हो जाएगा मतलब सिग्नल जो है कॉन्टिन्यूसली यहां पर मिलेगा इसलिए आपके पास जो इनपुट वर्सीज अगर हम आउटपुट इसका ग्राफ को विजिबल करते हैं तो एज कंपेयर टू स्टेप इंडेक्स फाइबर जो इसका सिग्नल है वो बेटर सिग्नल हमें मिलता है और सिमिलर केस इन केस अगर हम सिंगल मोड फाइबर की बात करते हैं तो उसके केस में आपके पास जो सिग्नल जैसा आपने ट्रांस ट्रांसमिट किया ट्रांसमीटर से वैसा ही आपको सिग्नल आउटपुट में मिलेगा मतलब रिसीवर को मिलेगा क्योंकि वहां पे सिंगल टाइम ही टीआईआर होगा और ना ही कोई आपके पास दूसरे सिग्नल की डिस्टर्बेंस होगी ठीक है स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही करेंगे बाकी की जो डिटेल है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे थैंक यू